आज यहाँ सिंदरी विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान यहाँ बलियापुर के इस मैदान में जमा हुए आप सभी हमारे बलियापुर के माताएं बहने नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग और हमारे साथ उपस्थित यहाँ मंच पर इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको झारखंडी जोहार करता हूँ। जोहार जोहार। बहुत संक्षिप्त में बातों को मैं रखूंगा, बहुत कम समय के लिए आया हूँ। बहुत सारे प्रत्याशियों के बीच हमें जाना भी है, कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, पानी, ये सब के बारे में तो लोग बताएंगे ही, कार्यकर्ता साथी बताते भी हैं। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिंदरी विधानसभा, जैसे कि पहले हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में है, ये बात सही है। और अब जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार महागठबंधन बनकर के एक मजबूत अलायंस बना करके जो कार्य योजना तैयार किया है, इस राज से भारतीय जनता पार्टी का जड़ को उखाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया। ये सामंती विचार, ये सांप्रदायिक फैलाने वाले लोग, हमारे बीच समाज में जहर बोने वाले लोग, इनको अब झारखंड से खदेड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी ये जमात, व्यापारियों की ये फौज, आप झारखंड में नहीं चलेगा। और इसलिए नहीं चलेगा, यहां तक सरकार तो गिरा नहीं सके, लेकिन हमको जेल भेजने का षड्यंत्र जरूर सफल रहे। लेकिन जहां मैं समझता हूं गरीब गुरुआ का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, मजदूरों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इन 5 सालों में जो हमने चुनौतियां देखी, 20 साल में कभी भी किसी सरकार ने इतनी चुनौतियां नहीं देखी। कोरोना जैसा महामारी आया और कोरोना में इतना लंबा समय कटा, 2.5 साल तक लगभग कोरोना हमारा लेके चला गया, कार्ड लेकर के बहुत बात मर गया। कोरोना जैसा विपत्ति में भी हम लोगों ने एक भी मजदूर को इस राज में नहीं मरने दिया, और महिला दीदियों के सहयोग से पूरे राज को बचाने का काम किया। और उसी समय हमने संकल्प लिया इस राज की महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। और आज उनके लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हमने लाया है, आज राज की सभी महिलाओं के खाते में 1000-1000 टका रुक जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैया लोग बताओ, जा रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अभी बबलू जी को यहां जिताइए, भाजपा के चंगुल से इस सिंदरी को बाहर निकालिए और फिर सरकार बनाइए। हमने संकल्प लिया है अगले 5 साल के भीतर में आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और उसका पहला कदम, उसका जो पहला कदम पड़ने वाला है, हमने निर्णय ले लिया है कि अभी तो अगला महीना, अभी का महीना का पैसा आया कि नहीं, आया कि नहीं, आ रहा होगा। आजकल में आज आ गया, आ गया कई जगह तो, चौथा किस्त आया कि नहीं, चौथा किस्त, चलो ठीक है।
अभी दिसंबर में जो है ना ऋण माफ करने का भी काम किया है। तो कई ऐसे चीजें हैं, ये वीर भूमि है, विनोद बिहारी महतो जी का भूमि है, और आज यहाँ का संघर्ष, यहाँ का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय दिसोम गुरु शिव सोरेन जी आज बुजुर्ग हो गए, नहीं आ पाए, नहीं तो वो जरूर यहाँ होते। एक ही राय अब इस दुनिया में नहीं है, विनोद बिहारी जी इस दुनिया में नहीं है। आज उनके संघर्ष के हम बच्चे हैं, उनके नई पीढ़ी है, हमें उनके संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। आज इसीलिए गरीब गुरुआ संघर्ष नहीं करेगा तो मारा जाएगा। कानून आया, उस कानून को अब लागू करने कराने की जरूरत है। तो आने वाला दिन हम लोग 75% लागू कराएंगे, और हम लोग का कोशिश होगा कि ये और आगे बढ़े, 100% स्थानियों को योग्यता के अनुसार काम में रखें। यहाँ के लोग 75% बाहरी जगह पे जाके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या योजना है? यहाँ के अवसरों का सृजन का मैंने पहले ही कहा था, सृजन का हम लोग प्रयास करेंगे। जितने अभी जगह हैं उन जगहों पर तो हम लोग प्रयास लगाने का काम करेंगे। इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ और उद्योग लगे, रोजगार के और सृजन हो। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको हम लोग आने वाला दिन देखेंगे। सर, सिंदरी कारखाना खुलने से यहाँ के युवाओं में खुशी थी कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन फिर निराशा ही हाथ लगी। अगर आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे उसकी बेरोजगारी? सिंदरी की जनता में यदि मायूसी है तो ये मायूसी के जो कारण है उनसे सवाल होना चाहिए। भाजपा के लोग ये प्रतिनिधित्व में है, उनसे सवाल होना चाहिए। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट में मोदी जी को सिर्फ चिमनियों में धुआं उठना या फिर फैक्ट्री चलना दिखता है। यहाँ के अगल बगल बेरोजगार हैं, उनको वहाँ नियोजित हो, रोजगार मिले, ये उनके सपने में नहीं आता है। तो हम समझते हैं कि उनको सपने में लाने के लिए हम लोग को ऐसा कुछ करना होगा, लोगों को संघर्ष को तेज करना होगा, ताकि सपने में मोदी जी के सपने में आए। जगदीश रवानी और धनिंदर मंडल भाजपा शामिल हो गए हैं, क्या कुछ नुकसान देख रहे हैं आप? चुनावी में बहुत कुछ नुकसान नहीं है, लोग मन बना चुके हैं इस बार बदलाव का, और बदलाव की जो बयार बह रही है उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें एक भी बड़े अच्छे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो यहाँ के लोग कहाँ जाके इलाज कराएंगे? उसके लिए भी हम लोग पहले भी कई बार गए। सिंदरी में अस्पताल हुआ करता था एक समय, पूरे राज्य जिला का सबसे अच्छा अस्पताल हुआ करता था, पूरे जिले के लोग आके इलाज कराते थे। वो अस्पताल FCIL के साथ ही बंद हो गया, क्योंकि अब HURL शुरू हुआ है, रासायनिक कारखाना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि रासायनिक दुर्घटना होती है तो यहाँ के लोगों का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सिंदरी में ही अस्पताल खुलना चाहिए। ये जब एम्स झारखंड को मिला था तब भी हम लोग बोले थे कि आने वाला दिन कभी ना कभी कारखाना नया ढंग से चालू होगा ही। उस समय जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने ऐसा सार्थक हो सकता है प्रयास नहीं किया हो, लेकिन अभी भी समय नहीं गया है। हम लोग उसको करने का काम करेंगे कि यहाँ सिंदरी का कारखाना चालू हो। गोविंदपुर में आए दिन दुर्घटना हो रही है NH पर, उन दुर्घटनाओं को देखते हुए भी हम लोग बरसों से मांग कर रहे हैं कि गोविंदपुर का जो PHC है उसको अपग्रेड करके ट्रामा सेंटर बनाया जाए। तो ट्रामा सेंटर को बनाने की दिशा में भी हम लोग आने वाला समय काम करेंगे।